तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें मेल रॉबिन्स की बुक द 5 Second Rule की। मुझे तो पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या सिर्फ 5 Second आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या है 5 Second Rule? How to control your mind in 5 Second? तो आज हम बात करेंगे 5 Second Rule की। 5 Second Rule Book की ऑथर हैं मेल रॉबिन्स। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने वीडियो पे। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं द एलिसियन क्रिएटर। Push yourself and take control of situation। ये बुक अपना बिहेवियर बदलने और जीवन को कम डर और ज्यादा करेज के साथ बदलने के लिए हमें मोटिवेट करती है। ये साइंस ऑफ हैबिट्स, स्टोरीज और सरप्राइजिंग फैक्ट का उपयोग करते हुए पुश मोमेंट की पावर को समझाती है। इसमें दिए गए सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनने के साथ अपने जीवन पर कंट्रोल पा सकता है। 5 Second Rule Book के ऑथर मेल रॉबिन्स एक CNN कमेंटेटर, टेलीविजन होस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ ही वो एक सक्सेस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी हैं। कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन्स अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हर दिन बस यही सोचती थी कि अब बस वो अपनी जिंदगी को बदलेंगी। लेट सोते रहने की बजाय अब वो जल्दी उठेंगी, लेकिन जब भी अलार्म बजता वो स्नूज बटन दबाकर वापस से सो जाती थी। वो सोचती तो थी कि मैं भी फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे नहीं छूट रही थी, जिसकी वजह से वो काफी आउट ऑफ शेप हो चुकी थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पति के रेस्टोरेंट के बिजनेस में काफी लॉस होता जा रहा था, सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए वो ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अपनी अलार्म को बंद नहीं किया, बल्कि वो पहली बार में ही उठ गए। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने और फिर वो रनिंग के लिए निकल पड़ी। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से खत्म किया। कुछ ही मंथ्स में अपने अंदर उन्होंने कई ऐसे चेंजेस लाए जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत जल्दी एक ग्रेट जॉब मिल गई CNN चैनल पर, एक टीवी कमेंटेटर की। इसके बाद धीरे धीरे वो और उनके हस्बैंड ने अपने सारे कर्जे को खत्म किया, अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था, इसके बाद वो काफी रिच और फेमस भी हो गए। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गए। उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच में हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से जो उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ट्रिक नंबर 1, द रूल ऑफ 5 Second। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर रॉबिन्स ने उस रात टीवी पर ऐसा क्या देख लिया होगा। तो उस रात टीवी पर उन्होंने NASA का एक प्रोग्राम देख लिया था जिसमें एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे देखकर ही उन्हें आइडिया आया कि कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही काउंटडाउन 1 पर आता है फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो फिर पीछे नहीं हटते, रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है फिर चाहे कुछ भी आउटकम निकले। ये सेम आइडिया रॉबिन ने रॉकेट के बजाय अपने दिमाग के साथ यूज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब नेक्स्ट डे अलार्म बजा उन्हें उठने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने उसी आइडिया को याद किया, फिर काउंटडाउन करना शुरू किया, बस फिर वो उठ गई। इसके बाद जब उनका रनिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने फिर से यही ट्रिक यूज की। उन्होंने अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत शूज पहन लिए, फिर से काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे वो निकल गए। ऐसे ही जितनी बार भी उनका काम करने का दिल नहीं करता था तो बस यही सिंपल सी चीज वो अप्लाई करती थी, जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ को बदल दी। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वो इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। और अपने इस एक्शन को ना ले पाने की कई हजार रीजंस की वजह बताते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअल में हजार नहीं बस कुछ ही रीजंस होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। ट्रिक नंबर 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको तो पता ही होगा। आपके हैबिट्स ही डिसाइड करते हैं कि आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं। आपको शायद ये भी पता होगा कि हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है, फर्स्ट क्यू, सेकंड रूटीन एंड थर्ड रिवॉर्ड। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हैं, तो आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना क्यू होता है जो आपको ट्रिगर करता है, चलो सिगरेट पीते हैं।
फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हैं जो आपका एक रूटीन हो जाता है। ये आपको एक स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हैं जिससे आपको निकोटिन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, ये आपका रिवॉर्ड होता है। यही साइकिल होता है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है और इसी तरह हर आदत बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब इस रूल के रेफरेंस से जब आप 5 4 3 2 1 बोलते हो तो ये चीज क्यू की तरह एक्ट करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, इससे आपके ब्रेन को न सिर्फ सोचते रहना बल्कि एक्शन लेना एक रूटीन लगने लगता है और एंड में आपको फील होता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, जो इंसान को इमोशनली एक सबसे अच्छी फीलिंग देती है। ट्रिक नंबर 3, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना ज्यादा आपको ये बिलीव होगा कि आपकी लाइफ, आपके एक्शंस, आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, उतना ज्यादा ही आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। तो जब भी आप काउंट करते हो 5 to 1 तक, तो इससे आप एक रूटीन बनाकर, छोटा ही सही, लेकिन आप एक एक्शन लेते हो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इन कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीजें अपने आप नहीं बल्कि मेरे डिसीजन की वजह से चेंज हो रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का, किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में चीजों का एक लिस्ट खुल जाता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम से नजदीक आते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, ये काम करो। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है, तो जब भी आप जिम के पास जाओगे, किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते हुए देखोगे, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। तो जब भी आपको नेचुरल इंस्टिंक्ट आए तो फौरन 5 4 3 2 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हो, तब आपका इनर विजडम बोलता है चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो फौरन काउंटडाउन करो और चाहे छोटा ही सही लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम गिनाना स्टार्ट कर देगा और ये सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो ट्रिक नंबर 5 है स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक बैरी मैनिलो टी-शर्ट्स नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें उन्हें एक एम्बैरेसिंग सी टी-शर्ट पहनाई गई और फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब उस रूम में चलने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्बैरेसिंग सी टी-शर्ट को नोटिस किया होगा? तब इस पर ऑन एवरेज लड़कों ने कहा, एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया। ऑथर बोलती हैं कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा कि लड़कों ने एम्बैरेसिंग सी टी-शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है। इसी तरह आपको पता होगा कि नाइके का टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो यूजली वो एथलीट को भी टारगेट करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन तो डू इट भी हो सकता था, जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी? तो फ्रेंड्स, नीड थी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितना बड़ा एथलीट क्यों ना हो, उसे भी एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन होती है। ये हेजिटेशन जो दिमाग अननेसेसरी पैदा करता है, इसलिए जस्ट डू इट फास्ट एक्शन इम्पोर्टेंट है। ट्रिक नंबर 6, टू मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में दो मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे ऐसे समझे तो बिना रास्ते को सोचे हम अपने घर पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार कब यहाँ पहुंच गए पता ही नहीं चला। दूसरा डायरेक्टेड थॉट्स। एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वो यूजुअली ऑटो पायलट मोड पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है कि ये करो, जो मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से भी पूछो तो आप पक्का आंसर दे दोगे आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने होंगे, अगर फिट होना है तो क्या एक्शन लेना है, अगर पैसे कमाने हैं तो क्या करना होगा। लेकिन हम हर बार वो सब नहीं करते, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वो हमें एक्सक्यूजेस देने लगता है, नहीं वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थके हुए हो, गोल्स पर काम मत करो क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा, फेल हो जाओगे, तुमको नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही वो हमको बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगता है और ये सब ब्रेन विद इन सेकंड्स करता है।
इसलिए जब हम 5 सेकंड रूल को अप्लाई करना शुरू करेंगे, काउंट डाउन करके फौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो ये सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी। चलते हैं अब अपने लास्ट ट्रिक पे, जो कि है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितने उम्र तक बढ़ता है, तो आप बोलोगे कि 18 साल से 25 साल तक। लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बढ़ सकता है, इसलिए हम नई चीजें सीख पाते हैं। हम चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट्स को अपना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। शायद अभी भी आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करोगे तो ये पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ रेत पर दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिसमें ये नंबर का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा, जो फ्यूचर में आपको एक्शन लेने में और ज्यादा हेल्प करेगा। सो टू एंड, ऑथर बोलती है, जब भी आपकी इनर विजडम आपको गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले, तो उसे आप विद इन 5 सेकंड करो, जल्दी से जल्दी एक्शन लेके, बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए। मतलब फौरन 5, 4, 3, 2, 1 बोलो और एक्शन लो अपने गोल से रिलेटेड। हेजिटेट होकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 5 सेकंड रूल को यूज करके अपना करेंट बिहेवियर बदल सकते हैं। बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करने में 5 सेकंड रूल आपको काफी हेल्प करेगा। रेडी होने के लिए इंतजार करना बंद करें, क्योंकि आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। परेशान करने वाले थॉट्स को उन चीजों से रिप्लेस करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल की। मुझे तो पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। लाइफ में कई बार चेंजेस लाने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम एक बहुत बड़ा ही स्टेप लें। कई बार हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो जो मेहनत है वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।